फ्रेंड्स गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू प्रोग्राम विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ जे एंड के एपिसोड 6. टुडे वी आर गोना टू टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स इन जम्मू, स्पेशली इन जम्मू. कुछ हमारे एक साथी ने जो उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट है, उन्होंने आज एक बुज़ुर्ग को रोड से उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया, जिसको कि अपनी बेटी ने छोड़ दिया है और ऐसे मान लो हालात में छोड़ दिया. जबकि इन्होंने कॉल भी किया था उनकी बेटी को, तो शी रिप्लाइड कि मैं नहीं रख सकती अपने पास. तो दिल्ली का व्यक्ति है जो कि अभी जीएमसी में इन्होंने एडमिट कराया है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया है. तो आगे आप ये रिपोर्ट देखें. मिस्टर शीतल सिंह जी जो कि उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर हैं, उन्होंने और उनके साथियों ने मिल के उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज्ड कराया और इस वक्त अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका. अंकल फिट है ना? होना ना. आहो अंकल ठीक है. ये मास्क है, मास्क करो. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. गुरु रूप साध संगत जी, जिदा कि तुसी हुण एक जेके अपडेट मीडिया च देखिया सी, एक बुजुर्ग अंकल सी जिहड़े गुरदीप सिंह, जिहड़े पंजाब दे रहण वाले सी. सो उन्हां दी एक डॉक्टर है दिल्ली दे. सो जेके अपडेट दे न्यूज़ ते असी उन्हां दा देखिया सी. साडी ट्रस्ट सिख यूथ एसोसीएशन जे एंड के ट्रस्ट, SY जे एंड के ट्रस्ट अते उड़ान ट्रस्ट दे वीर हैं शीतल वीर जी हैं साडे नाल. सो इस टाइम बुजुर्ग जो कि इस टाइम फाइन है, उन्होंने रिपोर्ट भी नैगेटिव आई है, वो अंदर हैं इस टाइम एमरजेंसी वार्ड विच हैं और ग्लूकोज वगैरह मेडिसन शीतल वीर जी ने उड़ान ट्रस्ट के वीर हैं इन्होंने सारा प्रोवाइड करा दिता है. नाल होकर साडे वॉलंटियर ने भी थोड़ा जिहा उन्होंने मदद कर दी है. सो वो इस टाइम बिल्कुल फाइन हैं. सो उन्होंने बिरध आश्रम भी गल हो गई है वीर जी की. सो जिस तरह वो दो दिन असं इतने रखांगे उनकी रिकवरी ले, बिकॉज उन्होंने वीकनेस काफ़ी आ चुकी है. जिदा रिकवर होंगे उन्होंने शिफ्ट किया जाएगा बिरध आश्रम. सो दास गुरप्रीत सिंह निष्कामी, SY जे एंड के ट्रस्ट, साढ़े नाल वॉलंटियर अर्शजीत सिंह हैं, हर्षप्रीत सिंह हैं, शीतल वीर जी हैं उड़ान ट्रस्ट के. तो इन्हों को भी पूछेंगे, इन्होंने अपने बारे थोड़ा जहा दसो. सत श्रीकाल जी. मैं जब सुबह उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट हमारी जम्मू से है, मैं उड़ान का चेयरमैन शीतल सिंह. बात ऐसी कि सुबह हम सुबह हम जब निकले घर से, तो मेरे जो टीम के साथी थे, हम दो दिन से, ये जो हमारे गुरतेज सिंह जी हैं, ये दिल्ली से आए थे, इनको दो दिन से लगातार हम उनको खाना भी दे रहे थे, चाय भी दे रहे थे, और सुबह अचानक उनकी जो सेहत है वो ख़राब होगी. जब हमारे साथी उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट के उनके लिए सुबह खाना और चाय लेके गए, तो उन्होंने ना खाना खाया ना चाय पी, उनको सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी. फिर हमने 4 घंटे एम्बुलेंस का वहाँ पे वेट करते रहे, एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं पहुँची. फिर हमने अपने साथियों को बोला, वहाँ पे पीपी किट अरेंज करवाई और ऑटो वहाँ पे हमने अरेंज करवाया. इतनी देर में एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच गई. उसके बाद हमने उनको हॉस्पिटल में लाया, यहाँ पे उनको ऑक्सीजन भी दिलाया और उनका पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है. लेकिन यह है कि चलो भगवान का शुक्र कि उनकी जो अभी जो खतरे की स्टेज थी उससे बाहर थे. और सबसे बड़ी बात देखिए इंसानियत, कि लोग वहाँ पे आ रहे थे जा रहे थे, किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया डरते मारे ये पॉजिटिव ना हो. ये भी बड़ी शर्म की बात है कि जब तक हमें पता ना हो नेगेटिव या पॉजिटिव, पहले इंसान सड़क के ऊपर बैठा है, आप थोड़ी सी इंसानियत भी दिखाओ. किसी ने वहाँ पर इंसानियत नहीं दिखाई, बड़ी अफसोस की बात है. आज जब हमने यहाँ पर आकर उनका टेस्ट करवाया, उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है. बड़ी शुक्र है भगवान का कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई. जहाँ पर
उसके बाद हमने अब उनका 2-3 दिन जहाँ पे इलाज चलेगा, जब वो ठीक हो जाते हैं पूरी तरह तो हम उनको वृद्ध आश्रम में वहाँ पे छोड़ेंगे। और दूसरी बात, हमने उनकी फैमिली से भी बात की, उस टाइम मैंने उनको फ़ोन किया, उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने ये बोला कि मैं इनका देखभाल नहीं कर सकती, मैं खुद सेटल नहीं हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप काम नहीं करते हो, आप हैंडीकैप हो या आप कुछ भी नहीं करते हो, नहीं जी हम नहीं इनका देखभाल कर सकते, आप इनको गुरुद्वारे में छोड़ दो या इनको आप आश्रम में छोड़ दो या इनको आप हॉस्पिटल में छोड़ दो। बड़ी अफसोस होता, बड़ी शर्म आती है कि ऐसे लोग भी हमारी इस दुनिया में हैं। जब कोरोना महामारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं और ऐसे घटिया लोग हैं जो इनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे माँ बाप को सड़कों पर छोड़ देते हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है। जिदा कि तुम गल कर रहे थे शीतल वीर जी नाल जो उड़ान ट्रस्ट हैं, सो ये एक बड़ी एक अफसोस वाली गल ही है कि जिदा कि साढ़े जड़े बुजुर्ग तुम अपने जिन्होंने तू बचपन तो एक पालिया पालन पोषण किया हों, पढ़ाया लिखाया हों, जिन्हें बच्चे उ बच्चे बाद चो कहते हैं कि अनाथ आश्रम छोड़ दो या हॉस्पिटल या गुरुद्वारे छोड़ दो। सो एक रिक्वेस्ट है, जिन्हें भी अपने पेरेंट्स की केयर करो। सो हर एक जिदा कि परमात्मा ने हर घर एक माँ दिती है, उसने माँ को पहला दर्जा दिता है। सो हर घर एक माँ रब ने तुहाडे कोल नहीं पुजना, उन्होंने अपनी माता दिती है कि तुहाडी केयर करन लई, तुसीं बीमार होंदे हो तुहानूं किसी चीज़ की लोड़ होंदी, दवाई देंदी है, रोटी देंदी है। इसी तरह हर घर विच एक एक रब है साढ़े से, असी जदू खुद परेशान होंदे हाँ तो माँ दी साड़ी केयर करदी, जदों साड़ी वारी होंदी है सेवा करन दी उस टाइम असी बाहर कढ दिंदे हाँ। सो इन्नी कु बेनती है, बड़ा बड़ा धन्यवाद है उड़ान ट्रस्ट का। सो साडे वॉलंटियर जो कि इन्हें पेंडेमिक टाइम विच बाहर आए, उस जिहड़े बुजुर्ग ने उन्हां दी हैल्प कीती, एक सो बड़ा वड्डा एक उपराला है। सारे वीर इनिशिएटिव लो, प्रे करो कि साडा जो कि ये महामारी जो खत्म होए। इन्नी कु बेनती है जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।